हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है डे 2 कसौली और वो पीछे भाई घुमा रहा है डफी को। और यहाँ पे हो रही है बहुत गंदी ठंड, जो हमारी दिल्ली में जनवरी के आसपास होती है ना ठंड, वो यहाँ पे अभी है नवंबर एंड में, तो बहुत ठंड लग रही है। अभी बस नाश्ता करते हैं, नाश्ता ऑर्डर कर दिया हमने और मैं आपको पहले अपना होटल दिखा देता हूँ। ये अपना होटल है कसौली रॉक्स, ऐसी कुछ एंट्री है। यहाँ पे नीचे किचन है और वेटिंग एरिया है और ऊपर यहाँ पे पार्किंग है। और रूम की चाबी, ये पूरा रास्ता आगे उधर जा रहा है गिलबर्ट ट्रेल और क्या कहते हैं उसे, सनसेट पॉइंट को। सनसेट पॉइंट मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखा दिया था। अब मैं आपको रूम दिखा दे रहा हूँ अपना। दिस इज आवर रूम। रूम थोड़ा भी वैसे ही, क्योंकि अभी हम उठे हैं तो रूम थोड़ा वैसे ही है। तो घुसते ही राइट साइड में आकर पूरा बाथरूम ये, और ये शावर भी है यहाँ पे, ठीक है। और फिर पहले गेट बंद कर दो। फिर आ जाती है ये कबर्ड। कबर्ड के बाद ये बेड थोड़ा सा मैसी है तो उसकी ध्यान रख लेना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये छोटी टेबल है दो बंदों के लिए, ऐसा हमने सेम रूम में कॉल ले रखा है। और उसके बाद व्यू देखना, तो ये है व्यू होटल से, इसे कहते हैं व्यू, गजब। और सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, उसमें से जो नीचे से पहाड़ दिखते हैं, जहाँ पे मैंने बताया था ना भी खाने पीने का है होटल में, टेबल्स लगी हुई हैं, वो सब कुछ वहाँ से पहाड़ दिखते हैं। वहाँ से रोहतांग पास की पीक दिखती है और ये पूरा क्लियर व्यू यहाँ का। यहीं से अपनी गाड़ी भी दिख जाती है, वो खड़ी, तो वो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी भी दिखती रहती है यहाँ से। और व्यू भी बहुत गजब है। तो अभी बस नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद, नाश्ता में अभी हमने मंगा लिए हैं आलू पराठे, ठीक है। तो नाश्ता करने के बाद अब आपसे मिलते हैं गिलबर्ट ट्रेल पे, क्योंकि सनसेट पॉइंट में दिखा चुका हूँ कल, और गिलबर्ट ट्रेल कल रह गई क्योंकि कल हो गई थी शाम, तो हम चले गए थे हेरिटेज मार्केट। हाँ जी, तो तैयार शहर हो गया, हम निकल गए गिलबर्ट ट्रेल के लिए। और गिलबर्ट ट्रेल हमारे होटल से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है पैदल। बस हल्की सी आगे चलना होता है रोड पे और हल्की सी फिर चढ़ाई आती है, वहाँ से चढ़ के अपना गिलबर्ट ट्रेल स्टार्ट हो जाती है। हम अभी गिलबर्ट ट्रेल पूरी एंड हो गई है और क्या हुआ था, यहाँ से हम आए हैं, यहाँ से नीचे उतर के पूरा ये हमारा डफी बैठा है, ठीक है। और फिर ये व्यू मिला है एंड में आके। और इस पॉइंट को सुसाइड पॉइंट भी बोला जाता है। पुलकित, यहाँ से बंदा गिरता होना है, बददा तो नहीं होना। यहाँ से चंडीगढ़ की सुखना लेक भी दिखाई दे रही है। पूरी और ये सुसाइड पॉइंट से हल्की सी ऊपर ये बैठने की जगह है, बेंच लगा हुआ है और ये पेड़ की छांव आ रही है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। और यहाँ पर डफी और मैं हाफने लग गए पीते थे क्योंकि हम थक चुके थे काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद डफी को वहाँ पे एक डॉगी दिख गया सामने, सोचो मत डॉगी मत कर इसको, कुछ मत करो, चुप मत कर, पकड़ दे उसको, जान दे, पट्टा पकड़ ले बस, जहाँ तक जा रहे जान दे। इस जगह पे ज़ेर वाइब का सॉन्ग है ना एक, डिस्टेंस लव, उसकी शूटिंग हुई हुई है। पहाड़ों में आए और मैगी ना खाई तो खास पहाड़ों में आए। देखो मैगी आया क्या पहाड़ों में। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, हमारे रूम ऊपर जाके हैं यहाँ से और यहाँ पे बैठने की जगह है। खाना वगैरह अगर चाय वगैरह शाम को पीनी हो तो काफ़ी सही लगती है। कल हमने शाम को चाय पकौड़े यहीं पे खाए थे। और वो जो पीक्स है ना वो है रोहतांग पास, यहाँ से दिखता है रोहतांग पास पूरा। और एक और भाई से बनाता हूँ आपको। ये है हमारे छोटे से रैबिट। हेलो हेलो बच्चे, कैसा है कैसा है कैसा है? हाँ जी ये बड़ा हुआ छोटा सा नटखट सा। और अभी हम गिलबर्ट ट्रेल से वापसी आए हैं और इस होटल में दो डॉगीज़ भी हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे काले 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 तो रंग रंग का काला, बाकी दो छोटे डॉगीज़ भी हैं। बाकी मैं रूम में जाके फिर मिलता हूँ।